बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर, मैं मौजूद हूँ जे सेवन ग्रुप के सीईओ यासीन खान साहब के साथ, जिन्होंने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में एक शोहरत और एक मकाम हासिल किया और ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए। इस वक्त पाकिस्तान की अच्छे अच्छे डेवलपर्स की निगाह भी उनकी तरफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अपने आपके जो प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं इस्लामाबाद में, कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अभी मौजूदा टाइम पे 8 हाई राइज बिल्डिंग चल रहे हैं और ये खासकर हमारे जो कश्मीर हाईवे एयरपोर्ट के साथ टॉप सिटी है उस वहाँ पे और मुमताज सिटी में। टॉप सिटी में हमारे सिग्नेचर के साथ नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और एक सोलर टायर के नाम से, और मुमताज सिटी में जैसेवन ग्लोबल के नाम से लॉन्च हुआ है और चौथा प्रोजेक्ट जैसेवन आईकान के नाम पे, और साथ साथ हमारे D17 में इन्फिनिटी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा B17 में जैसेवन इम्पोरियम 46 कनाल पे दूसरे भी हमारे प्रोजेक्ट, सारे बड़े प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट नहीं है। मैं हाँ सर, ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि ये नक्शा कहाँ से आपने बनवाया? जैसेवन इम्पोरियम का, जैसेवन इम्पोरियम हमारा अहमद रियाज आर्किटेक्ट है। तो ये हमने जब ये नक्शा बनाने लगे थे तो मुख्तलिफ जगह की विजिट किए, दुबई की विजिट हुई है, यहाँ पे लोकल कुछ हाई राइज हमने देखे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बेहतर और अच्छी नक्शा हमने बनवाया। तो इसके ऊपर टोटल अंदाजा कितनी लागत आएगी मैप पे हमारे इसके टोटल प्रोजेक्ट? नहीं, प्रोजेक्ट तो ये 12-13 अरब रुपए की सिर्फ जैसेवन इम्पोरियम प्रोजेक्ट है। तो ये कब तक मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह जून 2024 में। वैसे हमारा लोगों के साथ कमिटमेंट जून 2024 है, तो जून 2023 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले दे दें इंशाल्लाह। वैसे खान साहब, एक चीज थोड़ी सी ये भी पूछना चाहूंगा जाती लेवल की, छोटी सी उम्र में इतनी शोहरत, क्या फीलिंग करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है और वालिदों की दुआओं से। तो सबसे बेस्ट, आप अगर नियतन दुरुस्त हो तो अल्लाह पाक ये शोहरत हो गया, इज्जत अल्लाह के हाथ। तो आप दीगर जो डेवलपर्स हैं उनको भी यही सबक देंगे, तंबीह करेंगे, ईमानदारी दयानतदारी को अपना इशार बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी और होगी तो सब कुछ अलग कामयाबी का सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये भी सुना कि आपका चैलेंज है कि हमारी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। बिल्कुल, आप देख सकते हो हमारे प्रोजेक्ट पे, आपको अभी विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह क्वालिटी पूरे इस्लामाबाद में इस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है मौजूदा टाइम पे। तो इसके लिए जो आपने मार्केटिंग और जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो मुकम्मल क्वालिफाइड लोग रखे हैं? सारे क्वालिफाइड लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइन मार्केटिंग भी इन हाउस है और कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स भी इन हाउस है, हमारा सब कुछ हमारे। तो अभी आप बता रहे थे कि आपका 7 नंबर लकी है, तो उस लकी नंबर को आपने इस्तेमाल किया ग्रुप के? बिल्कुल, 7 नंबर हमने इसलिए वो कर दिया, चॉइस किया था, जिस तरह हमारी खाना काबे के 7 चक्कर 7 आसमाने, तो इस वजह से 7 नंबर हमने चॉइस किया उस हवाले से। तो उसमें बेदहा लोगों को पजीराई आपको मिली? बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी। जब लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपकी क्या वजह थी कि आपने इस तरफ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, किसी और प्रोजेक्ट में क्यों नहीं गए? नहीं, इसमें हमारी जो ख्वाहिश बनी तो लोगों की काफी मुश्किल का सामना था अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट। इससे पहले मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हैवी मशीनरी का बिजनेस चल रहा था, तो इस साइड पे आया तो अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, तो ईमानदारी के साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अल्लाह पाक इज्जत दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए। कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 इम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैन अल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल
और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, जीटी रोड और सीपैक के संगम पर वाके पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, दिलकश दीदा जेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैन अल-अक़वामी मायार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की महाना आसान अकसात। कॉन्टैक्ट 0333777700। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, अ प्रोजेक्ट ऑफ J7 ग्रुप। J7 इम्पोरियो, अ स्मार्ट चॉइस। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के ऊपर ये जून 2023 में कंप्लीट हो रहेगा इंशाल्लाह। जैसे सब ये बताइए ना हमारे नाजरीन को, इसमें क्या खूबी है? ये सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट में माल नहीं है, इसमें माल है, अच्छा अपार्टमेंट है, इसमें जिम है, यानी मुख्तलिफ में इस तरह फ्यूचर है कि अल्लाह के फजल के ऊपर इस्लामाबाद में इतने किसी प्रोजेक्ट में इतने फीचर नहीं है जिस तरह हमारे इस जैसे प्रोजेक्ट में। जैसे साहब ये भी बताइए कि जो मुल्क से बाहर हमारे नाजरीन हैं और वो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस यहाँ आकर आपके हिस्सा बन सकते हैं? हम तो अपने बाहर के लोगों को यही दावत देते हैं कि आप हमारे जिस प्रोजेक्ट में जैसे उन ग्रुप में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे कुल के ये उनको डिमांड है कि आप हमारे प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हो और साथ साथ हमारे ऑनलाइन कैमरे लगे हुए, आपको कंस्ट्रक्शन रुकी हुई नजर आए या प्रोग्रेस नजर आए तो कोई इंस्टॉलमेंट ना भेजना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन जितनी टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। तो ये भी मेरे नाजरीन जानना चाहेंगे कि J7 ग्रुप है क्या? J7 ग्रुप हमारे जॉइंट ग्रुप में मेरा मकबूल साहब ने इकट्ठे इसको बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 एक लकी नंबर है। अच्छा, तो इस वजह से हमारे J7 ग्रुप नाम चॉइस किया। जिन मकासद को लेके आपने J7 ग्रुप बनाया था वो पूरे हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत कदम है। मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह अभी हमारा फ्यूचर है, प्रोग्राम है कि सिर्फ अभी इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में वो करेंगे, खासकर टूरिज्म के लिए मरी नारायण कालान, तो वहाँ पे हमारा इरादा है, तो इंशाल्लाह ये इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। हाँ सर, इस मौजूदा हुकूमत ने जो जो हमारे सेक्टर डेवलपर्स के लिए कुछ काम किए उससे भी कोई आपने फायदा लिया या उससे कोई काम में बेहतरी आई? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी आई है, तो उसी वजह से हमारे जो उन्होंने एक पैकेज हमें दिया उसे काफी बेहतरी आई हुई है। तो ये जो आपका पैकेज जब आप बता रहे हैं कि ये 24 तक 23 तक मुकम्मल होना है, 24 तक, तो आप चाहते हैं कि इससे 1 साल कबल मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह जून 2023 में ये कंप्लीट करके रहेंगे इंशाल्लाह। माल तो हमारा बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, अभी मुख्तलिफ ब्रांडों के साथ हमारे MOU साइन हो रहे हैं, चाय खाना 3 महीने में ओपन हो जाएगा, तो इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हमारे एग्रीमेंट का चांसेस है इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। एक अच्छे डेवलपर्स के लिए क्या होना जरूरी है कि जिसकी वजह से उसके जो लोग उसकी तरफ चले आते? सबसे बड़ी बात ये कि टाइम से डिलीवर करना और कंस्ट्रक्शन की अच्छी क्वालिटी देना, तो ये अच्छे डेवलपर की मैं निशानी हो। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत,
मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए। कब से था इंतजार कि काश वो मुयसर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनल अक्वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे GT रोड और CPEC के संगम पर वाके, पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा, 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल, सिंगल एट्रियम डेलाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, दिलकश दीदा जेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैन अल-अक़वामी मायार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अकसात। कॉन्टैक्ट 0333777700। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, अ प्रोजेक्ट ऑफ J7 ग्रुप। J7 एम्पोरियम, अ स्मार्ट चॉइस। हमने सब क्लाइंटों को यही कहा हुआ कि हमारी प्रोग्रेस देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी अच्छी इंस्टॉलमेंट लोग दे रहे कि पूरे इस इलाके में इतनी स्पीड अप काम नहीं हुआ। ये आप जब प्रोजेक्ट की विजिट करेंगे तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि 1.5 साल में ये पॉसिबल नहीं है कितना काम, 8.5-9 लाख स्क्वायर फुट हमने कर दिया। हाँ सर, अपने नाजरीन के लिए, आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे J7 ग्रुप की तरफ से? हमें तो सारे नाज़रीन को यही पैगाम है कि आए हमारे साथ, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करें और अल्लाह के बजट के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द डबल होगी इंशाल्लाह के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी आप खान साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि J7 मेरा लकी नंबर था, उस हवाले से हमने इस ग्रुप को बनाया। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई, दयानत और ईमानदारी है, क्वालिटी हमारे आपके सामने है। हमारी कोशिश है कि नाज़रीन को वक्त से पहले उनके हैंड ओवर कर दिया जाए। आने वाला वक्त बताएगा, एक तारीख रकम होगी कि J7 ने जो वादे किए वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान सैयद यज़दानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने करवाया।